जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर इशू ऑफ शेयर्स से ऐसे थ्योरी एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स जिस पर नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले वाला पॉइंट है आपका, इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मीन्स इक्विटी शेयर कभी भी हम इशू नहीं करते डिविडेंड को बांटने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच ए कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। नॉमिनल शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी को ऑथोरिटी मिली होती है इशू करने के लिए। कंपनी चाहे तो इतनी या इससे कम इशू कर सकती है और कुछ इशू बाद में भी कर सकती है। इस कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर। मतलब कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको जो यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है उसको हम शेयर्स बोलते हैं, उसको डिबेंचर या बॉन्ड्स नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो पब्लिक एक्चुअली सब्सक्राइब्ड करती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज नॉट बीन कॉल्ड येट बाय द कंपनी इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। ये कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में शो नहीं होती है। मतलब वो पैसा जो कंपनी अभी नहीं मांगती है, 10 रुपए का शेयर है बट कंपनी अभी सिर्फ 8 मांग रही है, 2 नहीं मांग रही है, इसको हम अनकॉल्ड कैपिटल या रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। ऐसी अमेजिंग और भी वीडियोज आपके साथ यूं ही शेयर होती रहेंगी। जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया बच्चों ने तो डाउनलोड जरूर कर लो, वहां नंबर ऑफ एमसीक्यूज एंड संडे टेस्ट सीरीज आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।